अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी मटन कढ़ाई रेसिपी, एकदम टेस्टी और ज़बरदस्त, बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करेंगे। ये देखिए 300 ग्राम मटन है, हड्डी वाला मटन ले ली मैं, इसको अच्छे से वॉश कर ली। अब इसमें कुकर में ऐड कर देंगे अपन मटन को। अब इसको मटन को ऐड कर देना है कुकर में। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, यानी बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर सब 1 टीस्पून है ये सब मसाले। अब इसमें 1 टेबल स्पून फुल ऑयल ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मसाले मटन में मिल जाना है। इस बेस पर पानी ऐड कर देंगे, 1 कप पानी ऐड कर दी मैं, अच्छे से गला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑन है। इस बेस पर लीड लगा देंगे। अब इसको 3 सीटी होने देंगे, यानी मीडियम फ्लेम पर ही 3 सीटी में गल गया हमारा मटन अच्छे से। अब इसको ड्राई कर लेना है। देखिए परफेक्टली अच्छे से गल गया, प्रेस करने में ही अच्छे से टूट गया। देखिए चलिए अब इसको एक साइड रख लेंगे। अब कढ़ाई ले लेना है, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऑयल है ये। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ये जो अपन मटन को गलाने के लिए कुकर में ऐड करे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, कढ़ाई में ऐड कर देना है। थोड़ा बहुत पानी था इसलिए उसके साथ ही मैं ऐड कर दी, ड्राई करके भी ऐड कर सकते आप लोग, बिल्कुल थोड़ा सा पानी में ही मैं ऐड कर दी। अब देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगा, मटन तो पहले से ही गल गया अच्छे से। इस बेस पर क्या करेंगे, ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस ली थी मैं, अब इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद टमाटर को पीस कर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है ये मटन कढ़ाई की रेसिपी। अगर गोश्त गल के है तो और जल्दी बनकर रेडी हो जाता। अब इसको कवर कर देंगे, यानी टमाटर की जो कच्ची स्मेल रहती वो चले जाना है। देखिए 4 से 5 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दी थी लो फ्लेम पर ही, टमाटर की कच्ची स्मेल जो रहती वो चले जाना है। जब तक मैं 3-4 से 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दी। इस बेस पर मेथी है ये, 1 मुट्ठी भर मेथी करी लीव्स है और हरी मिर्च है, इसमें ऐड कर देंगे। मेथी का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसलिए मेथी ऐड कीजिए एक बार आप लोग। इस तरह से ही 1 मुट्ठी भर मेथी है, यानी 2 छोटे कट्टे जो रहते मेथी के वो इसमें ऐड कर दी मैं अच्छे से वॉश करके। इस बेस पर क्या करेंगे, अब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब ये मीडियम फ्लेम पर ही मसाले ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अब ये काली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई मटन कढ़ाई में, देखिए कितने कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है। ये टिफ़िन में भी दे सकते हैं आप लोग इस तरह से झटपट बनाकर। इस तरह से भून लेंगे अब अच्छे से, ऑयल सेपरेट हुए तक भूनते जाना है। चलिए अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको रोटी चाहे फुलके से चाहे चावल से किससे भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त मटन कढ़ाई रेसिपी बनकर रेडी हो गया। आप लोग मेरी बताई हुई रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह से ही न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।